हेलो सर, कैसे आप लोग? आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मोटोरोला के हेडफोन्स का। तो दोस्तों, ये है मोटोरोला का पल्स 110 मॉडल। और यहाँ पे बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बॉक्स जो है काफ़ी सही है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइसिंग इसकी दी है कम से कम तकरीबन 2000 रुपये है, 1999 है, बट इतने का नहीं आ रहा है। आप अगर इसे लेंगे तो 650 के अराउंड मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात कर लूँ तो जो ओवरऑल यहाँ पे जो फुल साइज यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आपके पूरे कान को कवर कर देगा। और इसमें माइक भी आपको माइक्रोफोन में मिल जाएगा। और 40mm का ड्राइवर इसमें यूज हुआ है, डायनेमिक साउंड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। चलिए फटाफट इसे हम खोल के देखते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको देखने को ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर मैनुअल दिख जाता है और यहाँ पे आपको जो इसमें बटन दी हुई है, इसका जो यूजेज है, माइक है, और यहाँ पे डबल टैप, ट्रिपल टैप, कितने बार में क्या करना है, होल्ड करके रखना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं और आई थिंक ये वारंटी भी है आपका। सो बाद में देखते हैं, इसे खोल लेते हैं। सो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल एक हेडफोन मिलता है काफी सही क्वालिटी का है। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते, अपने कान के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, फोल्डेबल है तो आप इसे कैरी करने में काफ़ी सही सा रहेगा। और यहाँ पे ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ठीक है, मतलब 600 रुपये में काफ़ी सही है। और जो प्लास्टिक का मटेरियल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और यहाँ पे आपको पैडिंग देखने को मिल जाएगी, ये काफ़ी स्मूथ पैडिंग है यहाँ पे। और ओवरऑल जो ये कप है ये भी काफ़ी सही है, जो इसमें रैगजीन यूज़ हुआ है काफ़ी ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी का है। और यहाँ पे जो ये है एडजस्टेबल है, मतलब आपके कान और सर के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पे हाइट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे यहाँ पर अवेलेबल है। और जो ओवरऑल वायर की क्वालिटी है काफ़ी थिक है वायर, और आई थिंक सही है। और इसे मैं खोल के देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा और यहीं पे जो बटन है, आप जैसे कि मैं बताया था कि इस बटन को, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, वन टैप पे पुश और कॉल रिसीव होता है, सेकंड टैप, थर्ड टैप, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा। जो वायर की लेंथ है आपको तकरीबन 1.5 मीटर की होगी, इसमें मेंशन है क्या पता नहीं, आई थिंक 1.5 मीटर है। और चलिए ये तो हो गया अनबॉक्सिंग। अब इसका जो टोटल मैं यूज़ करूँगा तो आपको इस लॉन्ग टर्म बता दूंगा कि कैसा है, मतलब। सो दोस्तों, ये हेडफोन मैंने तकरीबन 5 से 6 दिन भी यूज़ किया है और अब मैं इसके बारे में कुछ बेटर चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे कि इसकी जो कुशनिंग है वो, अगर आप यूज़ टाइम की बात करें तो आप इसे लगातार कम से कम 1 घंटा ये यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। मेरे कान थोड़े बड़े हैं तो दैट्स व्हाई ये बस रहते हैं, तो 1 घंटे बाद मेरे कान में पेन होने लगता है। और हो सकता है अगर आपके कान छोटे हैं तो ये मे बी आपको कम्फर्टेबल रहेगा, बट आई थिंक इस केस में भी 1 से 1.5 घंटे ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ठीक है, मतलब मोर देन जितना भी इतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और मुझे बताना था, ये जो चीज़ है ये बार बार ऐसे बैंड हो जाती है, बार बार ये अपना जितना होल्ड नहीं कर पाता, मतलब अगर आप इसे पकड़ के उठाएंगे ये बैंड हो जाती है। और माइक का जो क्वालिटी है काफ़ी सही है, मतलब अगर आप इसे वॉइस रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं या गेम खेलना चाहते हैं
लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इतना भी ख़राब नहीं है। बट अगर कुछ जुगाड़ करके आप अगर इसको माइक को सामने तक ला सकते हैं तो ज़्यादा बेटर आवाज़ आएगा। और यहाँ पे रहने पे थोड़ा आपको लाउडली बोलना पड़ेगा क्योंकि जो आवाज़ है वो इधर से आती है और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और इसका माइक भी जो प्लेसमेंट है ये पीछे रहता है, तो अगर आप कभी भी छोड़ें तो ये माइक का जो होल है वो आगे की तरफ नहीं आता, ये हमेशा ऐसे पीछे की तरफ ही रहता है, तो आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। ओवरऑल जो इसकी बेस की बात करूँ, जिसमें बेस है वो ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा बेसी गाने सुनेंगे तो ही आपको बेस का महसूस होगा, बाकी इतनी भी फ्लैट आवाज़ आएगी आपको। और ओवरऑल आप इसे एक नॉर्मल यूज़ की तरह कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग हो गया और नॉर्मल गेम खेलना हो गया, नॉर्मल मीडिया एक्सेस के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर क्वालिटी नहीं है इसकी। जिस हिसाब से पैसे हैं इसके 600 रुपये में, मतलब क्या ही मिलेगा, काफ़ी अच्छा है 600 रुपये के हिसाब से, काफ़ी अच्छा है। एक सोनी का जो मॉडल आता है उससे भी काफ़ी बेटर है ये, और आई थिंक जो इसकी क्वालिटी भी है काफ़ी अच्छी है। सो ये रहा मोटोरोला पल्स 110 का रिव्यू। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।